नाउ इट्स स्टार्ट। गुड मॉर्निंग टू ऑल अगेन स्टूडेंट्स। टुडे आई विल स्टार्ट द लास्ट टॉपिक अबाउट द यूनिट वन, थर्मो इलेक्ट्रिक मॉड्यूल्स एंड द एमएचडी कन्वर्टर। दिस इज द पार्ट ऑफ द पावर प्लांट इंजीनियरिंग एंड द यूनिट वन। व्हाट इज द थर्मो इलेक्ट्रिक एनर्जी? थर्मो इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में हम क्या जानते हैं, क्या होती है, इसके बारे में हम पहले देख लें। तो थर्मो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है सीबैक इफेक्ट के हिसाब से चलती है। जैसा कि हमने पहले भी बात की थी कि टू डिसिमिलर मेटल का यदि हम वो करेंगे, टू डिसिमिलर मटेरियल्स को यदि हम चुनते हैं और उनको डिफरेंट टेम्परेचर पे रखते हैं, दोनों एंड से उनके जोड़ देते हैं। सपोज आपके पास दो तार हैं, वायर है, दोनों अलग अलग मटेरियल की हैं और दोनों का टेम्परेचर अलग अलग है, तो दोनों के एंड पॉइंट को यदि हम जोड़ देते हैं तो वो जंक्शन बन जाता है। और उन जंक्शन में यदि इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है तो इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स जनरेट होता है, जिसे ईएमएफ का नाम भी देते हैं। तो जितनी पावर जनरेट करनी है वो डिपेंड करेगा मटेरियल के टेम्परेचर पे, कितना टेम्परेचर है उसका, कितना करंट पास कर रहा है, कितना एरिया है और जंक्शन में प्रॉपर तरीके से अरेंजमेंट है कि नहीं। द मेन एडवांटेज ऑफ दिस मेथड इज अ वेरी लो इनिशियल कॉस्ट एंड द नेग्लिजिबल मेंटेनेंस कॉस्ट। इस मेथड का सबसे बड़ा जो फायदा है कि इसकी जो कॉस्ट रहती है वो सबसे कम रहती है और जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो भी बहुत कम रहती है। द मैग्नीट्यूड ऑफ ई एम एफ ई प्रोड्यूस बाई दिस प्रोसेस इज प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन ऑफ द टू जंक्शन। जो ई एम एफ प्रोड्यूस हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर डिफरेंस के, जो कि जंक्शन के बीच में मेंटेन किया जा रहा है। दैट इज ई इज इक्वल टू अल्फा टी बी माइनस ऑफ टी सी। तो टी बी जो है टेम्परेचर ऑफ हॉट जंक्शन कहलाता है और टी सी जो है टेम्परेचर ऑफ कोल्ड जंक्शन कहलाता है। दिस इज द डायग्राम जो कि आपको यहाँ पे दिखा रहा है किस तरीके से करंट पास हो रहा है और किस तरीके से हीट जो है एब्जॉर्ब या हीट जो है इनपुट की जा रही है। तो डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन की किस तरीके से वो रखा गया है, यदि वो इस तरीके से अरेंजमेंट किया गया है तो हीट एब्जॉर्ब ऐसे होगी आपकी, और यदि इस तरीके से अरेंजमेंट है तो हीट जो इनपुट होगा वो यहाँ से होगा। तो यहाँ पे देयर आर द टू जंक्शन, हॉट जंक्शन एंड द कोल्ड जंक्शन जो आप देख रहे हैं। तो हॉट जंक्शन जो है आपका अपर साइड पे रहता है जहाँ की वायर्स वगैरह कनेक्टेड रहती हैं, कोल्ड जंक्शन आपका बॉटम साइड्स पे रहता है जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। इलेक्ट्रिक पावर इनपुट जो है सप्लाई की जा रही जंक्शन साइड्स पे, तो जब करंट पास किया जाएगा तो वोल्टेज क्रिएट होगा, वोल्टेज से जो रहेगा पावर डेवलप होगी। तो यहाँ पे जो चीजें हैं अरेंजमेंट दिखाया गया हीट एब्जॉर्बमेंट का और हीट इनपुट का। तो हीट इनपुट यदि हम दे रहे हैं तो वो अपर साइड से हो रही है हीट इनपुट, और यहाँ पे दो जंक्शन बने हुए पी टाइप का और एन टाइप का। तो देयर आर द पी टाइप एंड एन टाइप और द टू डिसिमिलर मटेरियल, टू डिसिमिलर मटेरियल है जिसके कारण से कि हीट इनपुट हो रही है, करंट पास हो रहा है, हॉट और कोल्ड जंक्शन बना है। तो हॉट जंक्शन वहां पे रहेगा जहाँ पे की हीट सप्लाई रहेगी, उसे हम हॉट जंक्शन बोलेंगे। जहाँ पे हीट एब्जॉर्ब रहेगी या हीट इजेक्टेड रहेगा वो कोल्ड जंक्शन बनेगा। तो यहाँ पे जो सर्किट आप देख रहे हैं, दिस इज द सर्किट वेयर द करंट इज पासिंग थ्रू एंड दिस इज द डायग्राम वेयर द हीट इज इनपुट बाय द हीट सोर्स सोलर और एनी सोर्सेज। कहीं से भी हीट पास की जा सकती है, सम अदर एक्सटर्नल सोर्सेज, एंड द इलेक्ट्रोड इज सराउंडिंग्स ऑफ द टू डिसिमिलर मटेरियल्स एंड द हॉट जंक्शन इज अपर साइड, कोल्ड जंक्शन इज द बॉटम साइड्स। तो दिस इज अ थर्मो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन लिटरेचर। इट इज अ डिवाइस कन्वर्ट द हीट एनर्जी इंटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सीबैक इफेक्ट अर्लियर डिस्कस, एंड इट इज अ क्लास ऑफ फिनोमिना इन विच अ टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट एन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एंड वेन एवर द करंट पासिस थ्रू द सर्किट ऑफ टू डिसिमिलर कंडक्टर्स डिपेंडिंग ऑन द करंट डायरेक्शन आइदर हीट एब्जॉर्ब और रिलीज एट द जंक्शन ऑफ द टू कंडक्टर इज नोन एज अ पेल्टियर इफेक्ट। तो जनरली हीट एब्जॉर्ब और हीट रिलीज का जो माध्यम है कि कहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हो रही है, रिलीज हो रही है टू कंडक्टर्स के बीच में, उसे हम पेल्टियर इफेक्ट बोलते हैं। तो जहाँ पे करंट पास हो रहा है दैट इज कॉल्ड अ सीबैक इफेक्ट, बट जहाँ पे हीट एब्जॉर्ब या रिलीज हो रही है वो आपके पेल्टियर इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। तो इन अ प्योर मेटेलिक कंडक्टर आउटर इलेक्ट्रॉन लेस कनेक्टेड टू द अदर्स कैन मूव फ्रीली अराउंड ऑल द मटेरियल एज इफ दे डू नॉट बिलोंग टू एनी एटम्स। दीज इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसमिट एनर्जी वन टू अनदर थ्रू द टेम्परेचर वेरिएशन एंड दिस एनर्जी इंटेंसिटी वेरीज डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल। तो इफ टू डिस्टेंट मटेरियल आर प्लेस्ड इन अ कॉन्टेक्ट फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द मोर
loaded material to other so that the equate themselves. Such transference creates a potential difference called copotential. Since the result will be a pole negatively charged will be received electrons and another positively charged by the loss of the electrons. So this is the fundamental of about the effect. Seebeck effect already discussed, but again here remind for the junctions of the two different materials are maintained at a different temperature, the EMF is produced in the circuit. This is known as a Seebeck effect. The material A is maintained at a T plus delta T because of this is called a highest temperature. The material B is a temperature T. So material B, which is the lowest temperature, material B is the lowest temperature comparison to the material A, since the junctions are the maintained at the different temperatures. The EMF V flows across the circuit when the temperature differences occurs. This is a diagram in which the hot junction 1 and the cold junction 2 is describing. The both are connected by the wires and the metal A and metal B of the different temperature or the dissimilar materials. The voltage will be produced through the EMF effect. This is another diagram in which the hot junction, it is represented in the diagram. Hot junction, it is represented. It is represented P-type, where it is represented electrons and the cathode positive electrons, and the N-type, that is the negative electrons, it is passing through these sides. Voltage is produced on the hot to cold side temperature differences. The heat removed from these sides and the heat removed from these sides. P-type bismuth and the N-type of bismuth. Electron flow, it is passing through from these sides. Electron flow, it is hole flow, it is passing through these sides. Absorbing heat from these sides, absorbing heat from these sides. And the load is taking up these sides. So this is the circuit diagram which is completed by the hot and the cold junction sides. Hot junction, this is represented by the TH. Cold junction, this is represented by the TC. A hot junction where the current is passing through the material junctions, that is called a hot junction, represented TH. And the cold junction where the heat is released or the rejected, or it is called a cold junction. Current is passing through the upper sides. Electrode is connected at the bottom sides. Heat flow is always from the hot to cold side. And the electrical load, which is represented here, which is producing of the voltage through the EMF producing, it is collectively supplied through the another sides. What is the MHD, magneto hydrodynamic generator or converter? MHD ka jo full form hai, magneto hydrodynamic generator. It is a device that works on the principle of Faraday law. The Faraday law of electromagnetic induction jo hai magneto MHD ka jo main hai, fundamental hai. It states that when the conductors, solid, liquid, oblique, gas, moves through a magnetic field, it generates an electrical field perpendicular to the magnetic field and the direction of the conductor. Faraday law ne jo bola ki jo conductor hai, jo ki solid, liquid, gaseous type ka rehta hai, move through a magnetic field ke through move ho raha hai, it generate an electrical field ko generate karta hai, perpendicular to the magnetic field, magnetic field ke perpendicular rehta hai and direction of the conductor. Ye hum diagram mein bhi aapko dikhayenge. In MHD, the conductor is an ionized gas which is passes at a high velocity through a powerful magnetic field. A current is generated and can be extracted by placing electrodes in a suitable position in the stream. So this is the main fundamental and the principle of the MHD, जहाँ की conductor को ionized gas के through समझ के और उसको बता के कि pass किया जाता है high velocity के द्वारा और generating of the powerful magnetic field, a current is generated and can be extracted by placing of the electrodes in a suitable position in the streams. This is the Faraday law describing in the diagram. Magnetic field is generated on this side, direction of the current on this sides. Current is passing through the hot side and the current of direction, this is going on the another side. The direction of force is upward sides. So this is the fundamental where the magnetic field is generated on the this side when the direction of force or the direction is passing through the
perpendicular of the semiconductor material. The current is passing through the perpendicular along the direction, but direction of force is generating of the perpendicular sides, and the magnetic field is represented by this arrow diagram. This is the MHD generator. DC voltage output, here it is represented by the electrode, plus and minus sign because of the north and the south poles. Ionized gas plasma which is passing through these sides. So there are the three arrow diagram which is representing. The red sign showing the motion of conductor. This is called a plasma current. And this is the color vertical arrow diagram representing the magnetic field which is showing. EMF, it is represented by the inclined manner of the different color arrow diagram, induced voltage, that is called the electrical current. So this is the circuit diagram where the MHD generator working is describing. Hot gases conductor and the output current. This is the north and south pole which is describing here, and the two dissimilar material where it is connected with the north and south pole directions. And voltage is created on this sides. The output current जो आपको मिल रहा है voltage की form में another sides पे मिल रहा है. जब conductor को जो conductor है वो hot gases type का आपका यहाँ पे maintain किया गया है. MHD generator principle, it is governed by the Faraday law of electromagnetic induction. When the conductor solid liquid oblique gas passes through a magnetic field, it induces EMF perpendicular to the magnetic field and the direction of the conductor. In the MHD, the flow of the conducting plasma through a magnetic field at a high velocity causes a voltage to be generated across the electrodes perpendicular to the both the plasma flow and the magnetic field according to the Fleming right hand rule. This is the MHD generator. MHD generator constructions, that is, resembles the rocket engine surrounded by the huge मैग्नेटिक फील्ड. MHD जनरेटर जो है रॉकेट इंजन को रिसेम्बल्स करता है जो कि ह्यूज मैग्नेटिक फील्ड की है. इट हैज नो मूविंग पार्ट्स, यहाँ पे कोई भी मूविंग पार्ट्स नहीं है. एंड द एक्चुअल कंडक्टर्स आर द रिप्लेस्ड बाय द आयोनाइज गैस. जो एक्चुअल कंडक्टर रहते हैं ये अपने साथ में आयोनाइज गैस को लिए रहते हैं जो कि प्लाज्मा कहलाती है. द मैग्नेट्स यूज कैन बी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स और द सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स. जो मैग्नेट्स होते हैं उनको इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह इस्तेमाल किया जाता है या सुपर कंडक्टिव मैग्नेट की तरह इस्तेमाल किया जाता है. सुपर कंडक्टिव मैग्नेट्स आर यूज्ड इन द लार्जर एमएचडी जनरेटर्स टू एलिमिनेट वन ऑफ द लार्ज पैरास्टिक्स लॉसेस. सुपर कंडक्टिव जितने मैग्नेट्स रहते हैं इनको लार्ज एमएचडी जनरेटर में इस्तेमाल करते हैं ताकि हम लार्ज पैरास्टिक्स लॉसेस को एलिमिनेट कर सकें. दिस इज द फंडामेंटल diagram about the MHD generator. What working is describing here, entry of the ionized gas passing through the sides. Ionized gas, this is passing through the sides. Accelerating nozzle is this side, accelerate the velocity of the ionized gas, and the passing through the this circuit diagram where it is producing of the voltage output on the this sides. And the segmented electrode is connected in between of the two dissimilar materials. And the solenoid coils are the replacing on the top sides of the current top sides of the dissimilar materials. As shown in the figure, MHD consists of the fuel supply system. जैसा कि हमने बताया आपको, वहाँ से पास किया जाता है combustion chamber से होने के बाद expansion system और MHD generator के अंदर वो enter करता है. The electrode are placed parallel and opposite to the each other as shown in the figure. तो figure में जो दिखाया गया है कि electrode को आपस में एक दूसरे के पैरल में लगा दिया जाता है और अपोजिट लगाते हैं. इट इज मेड टू ऑपरेट एट ए वेरी हाई टेम्परेचर विदाउट मूविंग पार्ट्स. जिनका कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है और मूविंग पार्ट्स नहीं रहते हैं, इनको फिक्स कर दिया जाता है. बिकॉज ऑफ द हाई टेम्परेचर द नॉन कंडक्टिव वॉल ऑफ द चैनल मस्ट बी कॉन्स्ट्रक्टेड. तो जितनी भी नॉन कंडक्टिव वॉल है चैनल की, इनको हमें अच्छे तरीके से बनाना जरूरी है ताकि हाई टेम्परेचर को ये वियर आउट कर सकें. Generally in generator, the conductor consists of the copper windings or strips, while in MHD generator, the hot ionized gas or conducting fluid replaces the other type of material. The fuel is passing through of this side in this diagram. And this is the combustion chamber. And after that, passing through the combustion chamber is going into the expansion nozzle.
creating of the high velocity MHD generator, and the gases is passing through the these sides. Compressor, it is installing here, already discussed in the previous classes. The heat exchanger is electrically of the energy or the power output, and after that working in the heat exchanger, the gas is going into the atmosphere sides. Okay, the air is passing through the heat exchanger, where the heat is exchanging between of the two fluids. Because of the after the working of the in the MHD generator, the gases will going into the atmosphere. So that's why the heat is taking up the exhaust gases through the air, and the air is going into the compressor, where it is a high air compressed into the compressor, and the after the compression, the high pressure air is passing through the combustion chamber for the again completing of the cycle. This is called a open cycle using the conventional fuel. And the fuel may be of the solid, liquid, or the gaseous type. Generally, fuel is the ionized gas. This is called also a plasma. This is the MHD generator working. Generation of electrical power utilizing the high temperature conducting the plasma. Already discussed in the diagram, previous diagram. Stream of the high temperature working fluid passing through intense of the magnetic field. It converts the thermal energy extracted from the fuel directly into the electrical energy. And the fuel is burned in the presence of the compressor in the combustion chamber. The fuel is burned in the presence of the compressor in the combustion chamber. During the combustion seeding, the materials are added to the various method for ionizing the gas are available, all of which depends on the imparting sufficient energy to the gases. The ionizations can be produced by the thermal or the nuclear means. Materials such as the potassium carbonate or the cesium are often added in the small amounts, typically about 1% of the total mass flow, to increase the ionizations and improve the conductivity, particularly combustion of the gas plasma. Magnetic field, a current is generated and it can be extracted by the placing electrodes in a suitable stream. And this is the open loop MHD or the MGD. The fuel is passing where it is fuel is passing in the previous slide, jaisa ki humne bataya tha aapko last slide mein. So fuel jo pass kiya tha with the presence of the oxygen at the 1100 degree temperatures passing through the combustion chamber, and after through that passing through the nozzle, where it is velocity of the fuel can be increased by the nozzle after the converting of pressure energy. And the when the kinetic energy is going up to the high level, passing through a MHD duct, where it is working in a converting the power, and the power is collected in the inverter side, and some of the power which is exhausted collectively into the preheater, and in the preheater it is run by the oxygen in the presence of the oxygen, and a seed recovery unit which is placing after the preheater. To collecting of the amount of the energies, and this exhaust gases without of the heat carrying of the pollution control unit. After that, checking of the pollution in the exhaust energies, it is passing through the chimney side to the atmosphere, and this is unit called where the energy is going into the atmosphere. This is called a stack. That's why it is called in the open cycle MHD generator, in which the where it is not reutilized. From the seed recovery units, it is passing through their sites. This is called a seeding process. Closed loop MHD or MGD, where the energy can be remaking after the working, and after the working in the MHD duct. This is the MHD duct, magnetic surrounding created for the capturing of the high amount of the energy. This is a DC supply through the inverter, and the AC power is going into the for the further use. Air preheater is installing behind a steam generator. Steam generator, it is device where the steam is generate, and through the steam generator just like a boiler, and the steam is generated through the combustion of the fuel of the taking of the heat from the air preheater sides. The air is supplied to air preheater from the atmospheric sides,
फ्रॉम द स्टीम जनरेटर दिस इज द स्टीम पासिंग थ्रू द स्टीम टर्बाइन फॉर वर्किंग ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफ द पावर एंड आफ्टर द वर्किंग दिस इज गोइंग इनटू द जनरेटर साइड्स करंट प्रोड्यूसिंग ऑफ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ द पावर द कंडेंसर यूनिट विच इज यूजिंग फॉर द कंडेंसिंग ऑफ द वाटर कंडेंसिंग ऑफ द स्टीम and the removal of the nitrogen and the sulfide or sulfur it is done into the this chamber seed recovery is done at the this unit and the seed recovery is passing through these sides makeup seed is passing through the these sides so this is the fundamental where the again and again using this is type the closed loop MSD MGD in the previous slide the seed is taking up the to the atmosphere but here the makeup seed which is passing through the again in the circuit diagram the stack is using for the exhausting the energy to the atmosphere without carrying up the heat so this is the today lectures if you have any questions please ask me Yes. Anyone who joined after the sir me sir 31 sir 5